आदिवासी बाहुल्य धार जिले में मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव विकास कार्यों को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, परंतु आरईएस विभाग मनावर के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया निर्माण कार्य चर्चा का विषय बना है, जिस पर अब विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं ये भाजपा का भ्रष्टाचार मॉडल है। वैसे भी जिला पहले ही कारम डैम के कारण बहुत बदनाम हो चुका है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। धार जिले के मनावर में आरईएस विभाग के काले कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। विभाग के द्वारा जनता की गाड़ी कमाई के रुपयों से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो बहुत ही घटिया और निम्न स्तर का है। विभाग के आला अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया, जो महज कुछ ही दिनों में देखने को मिल रहा है। विभाग के द्वारा जगह जगह पर नाले और नदियों में स्टंप डैम बनाए गए, जो बहुत ही घटिया सामग्री से बने हैं। इतना ही नहीं, आरईएस विभाग मनावर के द्वारा पिपरी मान गांव में 45 लाख के अधिक की पुलिया का निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन पुलिया निर्माण शुरू से ही विवादों में रहा। ग्रामीणों ने लगातार विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों से घटिया निर्माण की शिकायत की, परंतु गांधी की आंधी में अंधों ने ग्रामीणों की एक ना सुनी और घटिया निर्माण कर वहां से चलते बने। विभाग के जिम्मेदार ये भी नहीं देख पाए कि ठेकेदार ने पुलिया निर्माण में महज 8 mm के सरियों का इस्तेमाल किया, जो अभी भी अपनी गवाही दूर से ही दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पुलिया पर अधिक लोड लेकर वाहनों को ले जाते हैं तो हादसे का अंदेशा बना रहता है। अब समझ में नहीं आता आखिरकार इतना बड़ा अमला, जिसमें सभी विधाओं के परंपरागत अधिकारी होने के बाद भी इस प्रकार के घटिया निर्माण कैसे हो जाते हैं। अभी पुलिया को बने कुछ ही समय हुआ और पुलिया के कलपुर्जे बाहर आने लगे, कई जगह से पुलिया टूट रही है। इतना ही नहीं, पुलिया की लंबाई तो मानक के हिसाब से बना दी, परंतु उसके ऊपर मात्र 10 फीट का आरसीसी छत्ती डाला गया, जबकि पुलिया की कुल लंबाई इससे 5 गुना अधिक है। ठेकेदार ने आरसीसी की छत डालने में कलाकारी करके क्या अधिकारियों की जेब गर्म की, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ग्रामीणों के आरोप कुछ इस प्रकार से हैं, पुलिया निर्माण में हल्के और कम गेज के सरियों का इस्तेमाल, परिवाहकों के आवागमन से पुलिया कभी भी धराशायी हो सकती है, पुलिया पर पूरा आरसीसी छत नहीं डाला गया, पुलिया के आसपास पॉर्ट दीवार का निर्माण भी नहीं किया गया, पुलिया की नींव भी बहुत कमजोर बनाई गई। निर्माण के समय ग्रामीणों की शिकायतों को अनदेखा किया गया। ग्रामीणों के आरोप और ग्राउंड रिपोर्ट को देखेंगे तो आप यकीन कर पाएंगे कि किस प्रकार से मनावर आरईएस विभाग, आपको बताते चले आरईएस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने लाखों के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की खुली मौन स्वीकृति दे रखी है। अगर इस विभाग के कार्यों की जांच धार या अन्य जगह से दल बनाकर कार्यवाही की जाए तो निश्चित ही भारी भ्रष्टाचार उजागर होगा। सनसेतु न्यूज चैनल के लिए धार से दिनेश मिनारा की खास रिपोर्ट। शुभम पाटीदार में निवासी हूँ जी। ये पुलिया निर्माण को लेकर क्या समस्या आपकी? हमारी ये समस्या है कि इन्होंने काम पूरा नियम रूप से नहीं किया है, अधूरा भ्रष्टाचार में पूरा किया है काम, इन्होंने अधूरा छोड़ के गए। और विकलांग आदमी ने तरी इसके में करी है, मेहनत करी है कि रास्ता अच्छा हो जाए। 20-25 किसान यहाँ पर सब्जी भाजी वेजिटेबल का करते हैं, उसके बाद ऐसा है पंचायत का भी कुछ ध्यान नहीं था। जैसे गाँव की तरफ से सरपंच को भी बोलते थे हम, कुछ ये नहीं लिया उन्होंने कार्रवाई। बहुत परेशान किया है हमको ये फूलों पर किसानों को, और बहुत दिक्कत हमको झेलना पड़ी। ये कितने की पुलिया है? ये 38-40 लाख का निर्माण हुआ है, पर इसके हम लागत है? हुई है 12 लाख खोप जोड़े हाईएस्ट भाव का तो हुआ है। अच्छा, कितने की पुलिया है ये पुलिया? 48 लाख का हुआ था, पर 12 लाख रुपए की इसकी लागत है हुई है, और भ्रष्टाचार पूरा किया हुआ है। अच्छा, क्या घटिया निर्माण हुआ क्या? हाँ, पूरा एक नंबर घटिया निर्माण हुआ। थर्ड क्लास यूज किया है सब माल। अच्छा, क्या सरिये कैसे लगाए? सरिये 10 mm लगाए हैं, जबकि लगते हैं 12 mm, 16 mm, 12 mm। उसके बाद भी तरी भी पूर्ण रूप से नहीं हुई, 1 महीना काम बंद था। स्लैब कितनी डाली गई है? स्लैब इसने डाली है 5 इंची आसपास है। पूरी पूरी पे सीमेंट पे डाली की नहीं? आधा अधूरा खाली बोला था पूरी डालेंगे, पर 3 गाले में डाला है, कुछ नहीं किया है काम। नाम बता दो आपका। मेरा नाम शुभम पाटीदार, पिपरी निवासी है। कहाँ रहते हो? पिपरी। क्या समस्या है इस पुलिया की आपको? इस पुलिया में ये उसने पूरा काम नहीं किया हुआ है, जो सरकार ने काम दिया था ठेकेदार को शांतिलाल को, 48 लाख से 45 लाख के करीब में उसने ठेका लिया था ये,
राइट साइड की पूरी सिलिफोन डालना था वो नहीं डाले, जो मटेरियल लगाना था वो मटेरियल नहीं लगाया। सरिया का 12 mm से 16 mm का पुल का निर्माण में लगता है सरिया, उसने 8 mm और 10 mm लगाया। राइट साइड की जो दीवार हम खड़ी करना था वो नहीं करी, राइट साइड खरंजा डालना था वो नहीं डाला। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में काम किया गया है। क्या लगता है कितने की पुलिया बनी होगी ये? खूब उसने कई पैसा खर्च इसमें कई करा होगा, तो अपने हिसाब से अपन किसान के हिसाब से कई जोड़ते हैं तो करीबन 10 से 12 लाख रुपए इसमें खर्च किया गया है, बाकी का पूरा भ्रष्टाचार में गया है। इसमें जो सामग्री यूज करी गई वो कैसे यूज हुई? सामग्री तो अच्छी थी भाई, उसने सही यूज नहीं करी हुई है, पूरी तरह से यूज नहीं करी। हाँ ठीक है। रेत में थोड़ी सी मिट्टी थी। ठीक है। कौन से कहा रहे थे? पिपरीमान। ये पुलिया को लेकर आपकी शिकायत है, क्या शिकायत है? पुलिया को लेकर हमारी यही शिकायत है कि ये जो अच्छे तरीके से बनना था, जो इसका पैसा आवंटित हुआ था 45-46 लाख रुपए, तो ये क्या है कि दोनों साइड 30-30 फीट ही इसकी दीवार बनाई गई, जबकि उसकी दोनों साइड दीवार 150 फीट तक आती और कंक्रीट भी इसका 100 से 150 फीट तक आता, केवल 30 फीट डाला हुआ है और इसमें सरिया भी 10 mm का 8 mm का यूज करा हुआ है, इसमें 16 mm 20 mm का सरिया तो मजबूती है, प्रधान अच्छे लोड। कितने की पुलिया है ये? ये 10 से 12 लाख रुपए लागत लगी होगी, बाकी सब भ्रष्टाचार यहाँ से वहाँ तक मिलजुल कर। आपके हिसाब से पुलिया कितनी लंबी चल सकती है? ये 1.5-2 साल। दो साल, 1.5-2 साल में खत्म हो जाएगी? हाँ, उखड़ जाएगी। कितना लोड निकलता है? हमें चाहते कि अच्छा निर्माण हो या फिर से इसका कार्रवाई करके अच्छा निर्माण। यहाँ से कितना वाहन कैसे निकलते हैं, लोड कितना निकलता है? लोड तो क्या है कि आइसर केले की आइसर 10-12 टन का लोड निकलता है यहाँ से, किसान गन्ने की आइसर निकलती है, पपीते की आइसर निकलती है। कभी हो सकता है? बहुत आवागमन वाला रोड है, कभी हादसा हो सकता है? हादसा हो सकता है। नाम क्या आपका? अंकुश पाटीदार।